Welcome to World of Fashion and Designing. Fashion and Designing is all about dreaming. So be an eyefight, fulfill your dreams and start making other people dream. International Institute of Fashion and Arts, one of the best designing institute of India, IFA. I am an IFA. Yes, I am an IFA. Design your future. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगरा का एक बड़ा ही परंपरागत कार्यक्रम रहा है, हमारे परम आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब, उनके जन्मदिन के अवसर पर आगरा जनपद में एक बृहद आयोजन मनाया जाता है, जिसकी विगत कई वर्षों से परंपरा है, जिसको लेकर कार्यालय मतलब कार्यक्रम आयोजन से पहले एक कार्यालय खोलने की भी एक परंपरा है, जिसका उद्घाटन होता है, जिसके क्रम में यहाँ के सम्मानित जो पदाधिकारी गण हैं उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय को यहाँ पर बुलाया गया था सम्मानित करने के लिए, परंतु किसी कारण से जनपद से बाहर होने के कारण मेरे द्वारा आपके सम्मानित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया है। और ये जो कार्यक्रम है 14, 15, 16, 17, 18 ये है, और इसमें जो भीमनगर का आयोजन, भीमनगर, जगदीशपुरा, लोहा मंडी, जगदीशपुरा, इन सब जगह पर भव्य आयोजन और कार्यक्रम आयोजित होते हैं, रैली निकलती है, जिसको लेकर जिला प्रशासन स्तर पर भी कई व्यवस्थाएं की जाती हैं, जो यात्रा का रूट है वहां पर व्यवस्था करना, रोडें ठीक कराना, जो इन्होंने समय से पहले हमको उपलब्ध करा दिया है। जिला स्तर पर भी इसकी मीटिंग करके और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि कार्यक्रम से पहले सारी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर लें, और आपके अपूर्व योगदान को देखते हुए जिला प्रशासन भी आपके कार्यक्रम में जो भी इनका सहयोग जिला स्तर पर अपेक्षित है वो आपको दिया जाएगा, और इनका कार्यक्रम भी मुझे लगता है कि प्रदेश के एक अच्छे कार्यक्रमों में से एक है, और ये परंपरागत है जिसके तहत इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, और इनका बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, और इस कार्यालय को भी देख कर लगता है कि कई वर्षों से यहाँ पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं, सारी व्यवस्था इनकी यहाँ पर उचित है और मानक के अनुरूप है। देखिए, जगदीशपुरा में ये दूसरी बार हम भीमनगरी का आयोजन कर रहे हैं, और यहाँ 18 मोहल्लों को इसमें चिन्हित किया गया है। विकास कार्यों की प्रस्तावित सूची हमने जिला प्रशासन को दे दी है, और यहाँ सभी काम होने की हमें बहुत ही उम्मीद है कि सब काम होंगे। विकास के काम यहाँ अति आवश्यक है, क्योंकि ये मलिन बस्ती क्षेत्र है। हम जिला प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को जन जन तक पहुँचाने का हम कार्य करते हैं। इसके साथ हम विकास का काम भी करवाते हैं, और विकास का काम जहाँ होता है, भीमनगरी होती है, दोनों ही पर्यायवाची बन गए हैं, विकास और भीमनगरी। इसलिए यहाँ की जो मलिन बस्ती है वहाँ निकलना आज दूभर है, पानी भरा हुआ है, उनको मैं हमारे बीच में माननीय ADM सिटी साहब बैठे हैं, हमारी आवाज़ जिला प्रशासन तक पहुँचे, नगर निगम, ADA, DUDA, अन्य जो विभाग हैं, RES है, इनसे जो है विकास काम शीघ्र ही, मैं समझता हूँ एक दो दिन में इसकी बैठक जो है कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बुलाई जाए, ताकि वहाँ जो है कामों का सबका बांटा जाए और वितरण हो जाए, और इसलिए वो काम शीघ्र से शीघ्र करा जाए। यहाँ जो मंच बन रहा है हमारा, वो यहाँ आगे आप देखेंगे इस रोड पे एक प्लॉट खाली है, उस प्लॉट पे बिल्कुल काफ़ी जो है गंदगी है, उसको शीघ्र ही जिला प्रशासन साफ कराए, और मैं समझता हूँ उस मैदान के अतिरिक्त कोई भी यहाँ मैदान नहीं है जहाँ हम भीमनगरी का आयोजन कर सकें, इसलिए शीघ्र बोधला से पहले और उस मैदान को बैनारा जो है बराबर से उसको साफ कराया जाए। कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और सारी रूपरेखा बना ली गई है, कार्यक्रम जिस तरह से होता है 3 दिन का कार्यक्रम है, और बहुत भव्य मंच की व्यवस्था होगी, जैसे कि अभी बताया गया कि मंच जो वहाँ बनना है वहाँ सफाई के लिए, और फिर खास करके अधिकारी हमारे बैठे हैं हमारे बराबर में, इनको सब चीज़ों से अवगत करा दिया गया है, ADM साहब खुद सक्षम है, तो मैं यही कहूँगा, खास करके ADM साहब से कहूँगा जल्द शीघ्र शीघ्र मीटिंग बुला लें, जितनी हमारी एजेंसी हैं जो विकास कार्य करती हैं, चाहे वो लाइट का काम हो,
चाहे नाली खरंजे का काम हो, चाहे नल विद्युत विभाग का काम हो या पानी का हो, उनकी जल्दी से जल्दी मीटिंग बुला ली जाए। नगर निगम बनाई गई है, केंद्रीय कमेटी की जो हमारे अध्यक्ष जी हैं उन्होंने 18 मोहल्लों को चिन्हित कर विकास कार्य की लिस्ट बनाई है और इसको शीघ्र ही प्रारंभ करने के लिए ये कार्य शुभारंभ कर दिया जाएगा। इस कार्यालय के उद्घाटन के अनुरूप जब भी मीटिंग ली जाएगी उसमें सबसे पहले जहाँ जहाँ विकास कार्यों की जरूरत होगी उनको शीघ्रता से पहले आगे किया जाएगा। इस बार भीमनगरी में भव्यता इस बार की और ये भी है कि हम एक स्कूल मंच के साथ साथ एक शिक्षा का जो उद्देश्य था बाबा साहब का, जो पहला उद्देश्य बाबा साहब ने उपदेश दिया था कि शिक्षित बने, उस पर एक हमने एक स्कूल बना करके वो भी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल बच्चों को फ्री शिक्षा देने का काम किया है। ये जो समिति रहेगी वो इसका पूरा खर्चा वर्चा जो है वो फ्री पढ़ाएगी बच्चों।